सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। हमेशा अपने छोटे छोटे गलतियों से बचने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान पहाड़ों से नहीं पत्थरों से ठोकर खाता है। जो गुजर गए उसे याद मत करो, किस्मत में जो लिखा है उसकी फरियाद मत करो, किस्मत में जो है वो हो कर रहेगा। तुम कल के चक्कर में आज को बर्बाद ना करो, जिंदगी को जिंदगी की तरह जीना जरूरी है। चार लोगों की फिक्र छोड़कर अपनी भी सुनना जरूरी है। नहीं समझेगा हर कोई हमारी इन ख्वाबों को, इसीलिए खुद ही खुद की काबिलियत पर भरोसा करना जरूरी है। आज का पंचांग 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि, 8 नवंबर रात्रि 12:35 तक रहेगी। इसके उपरांत सप्तमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 11:45 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तराषाढ़ा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 1:33 से 2:55 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:48 से 12:32 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर शाम 5:34 तक रहेगी। इसके उपरांत मकर राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य तुला राशि पर रहेंगे। आप सभी को षष्ठी और छठ पूजा की शुभकामनाएं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए जरूरी सूचना, हमारा टेलीग्राम चैनल बन गया है, जहां पर जल्द ही प्रत्येक दिन एक सब्सक्राइबर का कुंडली बनाकर दिया जाएगा जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो जल्द ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। कर्क राशि 7 नवंबर 2024 दिन गुरुवार, हाल ही में मिली अपनी सफलता का जश्न मनाइए। किसी खास के साथ रोमांस के लिए समय निकालें। नेटवर्किंग और कूटनीति आपको नए क्लब और ग्रुप में कनेक्शन बनाने के लिए मदद करेंगे। ये दोस्ती भविष्य में नेटवर्किंग का विस्तार और दायरा बढ़ा सकती है। बिना किसी शर्त प्रेम करना और प्रेम पाना ही इस दुनिया में सबसे बड़ी वास्तविकता है। आपको आज आपका रोमांटिक साथी मिल सकता है, किसी भी तरह का मेलजोल आनंद प्रदान करेगा। एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, एक निर्णय थोड़ा कुछ बदलता है, लेकिन एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। रिश्तों में चल रहे तनाव किसी की मध्यस्थता से हल होंगे और आपके व्यक्तित्व में भी सकारात्मक बदलाव आएगा। पारिवारिक वातावरण को और अधिक उत्तम बनाने के लिए कुछ योजनाएं बनाएंगे और उसमें कामयाब भी रहेंगे। काम में सुधार करने के लिए फिर से शुरुआत करनी होगी। वर्तमान स्थिति थोड़ी बेचैन रहेगी, लेकिन आपके स्वभाव में आ रही स्थिरता समस्याओं को सुलझाने में मदद करेगी। परिवार के लोगों को आपसे मार्गदर्शन प्राप्त होगा। अनुभव न होने के बाद भी अनेक समस्याओं को सुलझा पाएंगे। काम के लिए जो लोग आप पर निर्भर हैं, उनकी सहायता करने की कोशिश करें। अपनी जिम्मेदारी को ठीक से निभाना होगा। नए रिलेशनशिप की शुरुआत सकारात्मक तरीके से होगी। बढ़ते वजन को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। सावधानियां, अपने स्वभाव में समय अनुसार लचीलापन लाएं। किसी बात को लेकर पड़ोसियों के साथ संबंध खराब हो सकते हैं। आर्थिक मामलों में पूरी तरह सावधानी रखने की आवश्यकता है। किसी भी तरह की आवाजाही आज स्थगित ही रखें तो ज्यादा बेहतर होगा। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के संबंध खुशनुमा रहेंगे। प्रेम संबंधों को भी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी। इस आधुनिक युग में नेटवर्किंग का पूरा फायदा उठाएं और अपने साथी को रिझाएं। कोई रोमांटिक संदेश, ईमेल या वीडियो आप दोनों की बोरियत लाइफ में थोड़ी एक्साइटमेंट लाएंगी। किस्मत के इस सुनहरे दौर में किसी दुर्घटना या चोरी से सावधान रहें। आज अब किसी रिश्ते में नहीं है तो आज का दिन आपके लिए भाग्यशाली है, क्योंकि आप आज अपने प्यार को पा सकते हैं। अगर आप कमिटेड हैं तो आपका रिश्ता दुविधा से भरा है। एक भावपूर्ण संपर्क आपको एक शानदार और समृद्ध अनुभव प्रदान करेगा। एक गुलाब का फूल और मुस्कान आपको कुछ यादगार लम्हे प्रदान करेंगे। बात करते हैं करियर की। आपकी किस्मत के अनुसार यह समय आर्थिक लाभ और सफलता के लिए परफेक्ट है। अपने व्यापार या नौकरी के अगले चरण की योजना बनाने के लिए
साहसी, समझदार और दृढ़ बनें। चोरी, दुर्घटना या नुकसान से बचने के लिए एहतियात बरतना इस समय की जरूरत है। बिना शर्त का प्यार वास्तविक प्यार है, यह जानकर आप आज नए रिश्ते में बंधने के लिए तैयार हैं। भावुक और व्यावसायिक संपर्क आपको आनंद देते हैं। लोग भी कुछ उम्मीदें रखते हैं, उम्मीद है कि आप उन पर खरे उतरेंगे। जीवन में सबसे बड़ी खुशी वो करना है जो लोग समझते हैं कि आप नहीं कर सकते। व्यवसाय में लाभदायक गतिविधियां बनेगी। नए काम की शुरुआत करने से पहले परिवार वालों से सलाह मशवरा लेना उचित रहेगा। पार्टनरशिप के व्यवसाय में आपसी सामंजस्य और कार्यशैली व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगी। व्यवस्था भी बनी रहेगी। बात करते हैं सेहत की। कब्ज और गैस की परेशानी रहेगी, जिसकी वजह से आपकी कार्य क्षमता भी प्रभावित होगी। बढ़ते वजन को नियंत्रित करने की भी आवश्यकता है। आज का उपाय, आज अब तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।